देखा जाता है कि लोगों को विभिन्न पालतू जानवरों को पालने का शौक होता है। सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा की निवासी प्रतिमा चौधरी को भी एक ऐसा ही शौक है। प्रतिमा अपने घर में कुत्ता या बिल्ली नहीं बल्कि एक मुर्गा को पालती है, जिसका नाम उन्होंने बड़े ही प्यार से मामन रखा है। 1.5 साल पहले प्रतिमा देवी ने इस मुर्गे को अपने अपार्टमेंट के नीचे घूमते देखा। इसके बाद उन्होंने मुर्गे को अपने साथ अपने फ्लैट में ले आई। अब मामन धीरे धीरे चौधरी परिवार का सदस्य बन चुका है। रोज सुबह अपार्टमेंट के सभी लोग मामन की आवाज से उठते हैं। मामन दिन भर फ्लैट के इधर उधर घूमते रहता है। मामन कभी प्रतिमा देवी के घर के सोफे में बैठता है तो कभी रसोई में घूमते देखा जाता है। मामन सुबह बिस्किट व दोपहर को मछली भात खाकर बिस्तर में कम्बल में घुसकर सो भी जाता है। उसे सप्ताह में 2 बार शैम्पू से नहलाया जाता है। वही प्रतिमा देवी कभी भी मामन को अपने नजरों से ओझल होने नहीं देती। प्रतिमा देवी दिन भर मामन की सेवा करती है और उसी में व्यस्त रहती है। इतना ही नहीं, वो मामन को हर महीने स्वास्थ्य जांच के लिए पशु अस्पताल भी लेकर जाती है। प्रतिमा देवी ने बताया कि मामन अब उनके परिवार का सदस्य है। हालांकि पहले अपार्टमेंट के लोगों को असुविधा होती थी, लेकिन अब हर कोई उससे प्यार करता है। मांस छोड़कर मामन सब कुछ खाता है। প্রতিমা চৌধুরী, এই বর্তমান যুগে পশু পাখি এবং সবাই কিছু অবহেলা চলছে, তো তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনারা বাড়িতে মোরগ পুষছেন বা মোরগ এত ভালোবাসছেন, কেন এই মোরগ? আমরা প্রথমে আমাদের ফ্ল্যাটে প্রথমেই একটা ছোট্ট বাচ্চা ফুলের মতো আমাদের ফ্ল্যাটে এসে পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছোট্ট। তার তখন তার বয়স 1-2 মাস হবে, এখন 1 বছর 6 মাস হলো আমাদের বাড়িতে আছে। পশু পাখি অবহেলা করে ঠিকই, তার থেকে সবচেয়ে বড় আমি বেশি দেব আমাদের এই ফ্ল্যাটকে, কারণ এই যে মোরগটাকে ইয়ে করছি, আমাদের ফ্ল্যাটের কারো কোনো অবজেকশন নেই, প্রত্যেকেই ভালোবাসে ওকে। আর ওর সম্বন্ধে যত্ন যথেষ্ট না হয়, ওকে রীতিমতো প্রতিদিন সপ্তাহে 2-3 দিন শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করানো হয়, তারপরে ওকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, তারপর ও ঘুমায় রাত্রিবেলা আমাদের সঙ্গে বিছানায় ঘুমায়, কম্বল গায়ে। একটু চিৎকার চেঁচামেচি করলে আশেপাশের লোকজন একটু, ফ্ল্যাট বাড়ি তো একটু ইয়েই হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেহেতু ওকে ভালোবাসে